हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टारबर्ड एडू पॉइंट। तो आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम स्मूथ सर्फेसेस। व्हाट इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज फ्रॉम स्मूथ सर्फेसेस, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप कहा जाता है मिरर एंड यूटेंसिल्स, स्टील यूटेंसिल्स, इसमें भी आपका रिफ्लेक्शन होता है। और कोई भी स्मूथ सर्फेसेस हो जाती हैं, जैसे अलमीरा वगैरह हो गई घर में, ठीक है, तो ये आपकी क्या है, स्मूथ सर्फेसेस जिनसे कि लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। एंड यू आर एबल टू सी थिंग्स बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कोई भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, वो आपकी आईज तक, रिफ्लेक्टेड रेज जो होती हैं वो आपकी आईज तक पहुंचती हैं, तो आप चीजों को देख पाते हैं। अब जानेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लॉज को क्या है। तो आपने सभी ने देखा होगा कि इसके टू लॉज हैं, बुक्स में ये लिखे हुए आते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देख लेते हैं डायग्राम कैसा होता है। सपोज यहां पर हम प्लेन मिरर की बात लेके चलेंगे। प्लेन मिरर कैसा होता है, प्लेन मिरर में वन साइड इसकी पेंट होती है, ठीक है, तो ये वाली साइड जो आपकी इसमें लाइनिंग वाली है, दैट इज पेंटेड साइड, ठीक है, और ये आपका स्मूथ सर्फेसेस जिसकी तरफ से आपको रिफ्लेक्शन पता चलता है, जैसे आप इमेज देख पाते हो अपनी, ठीक है, तो ये आपका प्लेन मिरर है। ठीक है, अब सपोज एक लाइट रे जो आ रही है इस पर स्ट्रक करेगी, ठीक है, ये लाइट रेज यहां से आ रही है इस तरह से, और यहां पर आकर के स्ट्राइक करेगी, ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो ये है आपकी रे विच इज कमिंग टुवर्ड्स द प्लेन मिरर, ठीक है, ये आ रही है, जो आ रही है तो इसमें आप इस तरह से एरो दिखाएंगे और इसका नाम होगा इंसिडेंट रे। क्या होगा नाम, इंसिडेंट रे, ठीक है, और जब ये स्ट्राइक करेगी, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है, ठीक है, प्लेन मिरर में एक सरफेस आपकी पेंटेड होती है, दूसरी स्मूथ सरफेस होती है, शाइनी सरफेस, जिसमें से क्या होते हैं लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। अब आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द मिरर दिस लाइट रे इज कमिंग टुवर्ड्स द डिफरेंट डायरेक्शन, अदर डायरेक्शन, ठीक है, तो क्योंकि यहां से इधर जा रही है, तो आप इस तरह से एरो लगाकर इसको शो करेंगे कि आपकी ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे, है ना, आपको लेवलिंग भी ध्यान से करनी होगी, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। तब हमें पता चल गया कि इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब एक परपेंडिकुलर आपको यहां पे ड्रॉ करना है जो बिल्कुल इस पॉइंट पर होना चाहिए, ठीक है, तो मैं आप बोर्ड पर कर रही हूं, हो सकता है थोड़ा सा लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, बट आपको क्या करना है, स्केल की हेल्प से आपको इस तरह से इसको ड्रॉ करना है, ठीक है, और डॉटेड लाइन से शो कर देंगे। ये हो गई आपकी एक परपेंडिकुलर लाइन ऑन द प्लेन मिरर। अब इस लाइन को हम नाम देंगे नॉर्मल रे, ठीक है, नॉर्मल रे। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि इंसिडेंट रे और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, तो इंसिडेंट रे का नॉर्मल रे के साथ में क्या एंगल बन रहा है, ठीक है,
तो ये एंगल आप डिनोट कैसे करोगे, आप एक तो इस तरह से कर्व बनाओगे और फिर आप देखोगे कि ये क्या है, इस तरह से आपका एंगल दिखाना है। एंगल के लिए आप ये यूज करते हैं, ठीक है। और इंसिडेंट रे के साथ एंगल है तो आप आई लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया ये, इसको इस एंगल को विच इज बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे, इट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड इट इज डिनोटेड लाइक दिस, ओके, एंगल आई एंड दिस इज इंसिडेंट, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस। Angle of incidence, okay? दूसरा angle है आपका जो कि reflected ray के साथ बन रहा है और normal ray के बीच, ठीक है। इसको आप denote करोगे angle R से, ठीक है, small I, small R। तो इसका जो name है small R का, angle small R, क्या है आपका angle of reflection। थोड़ा सा स्पेस कम है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपका है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ओके। तो ये दो एंगल्स हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो एंगल आई है वो एंगल आर के बिल्कुल इक्वल होगा। अब बात कर लेते हैं रूल्स की, यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है। फर्स्ट आपको ये डायग्राम समझना है, उसके बाद बात करनी है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो पहला लॉ क्या है रिफ्लेक्शन का, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाइज ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल रे ऑल आर सेम प्लेन, यानी कि यहीं पर इसी पॉइंट पर मिल रही है और मिरर के एक ही साइड पर है, ठीक है, मिरर के इस साइड पर है जो कि आपकी साइनी सरफेस है। तो ये आपका फर्स्ट रूल हो जाता है, ठीक है। सेकंड रूल आपका क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ऑलवेज आपका ये दोनों एंगल हमेशा ही बराबर होंगे। अभी तो सपोज ये आपको लग रहा है, जो मुझे लग रहा है ये है लगभग 30 डिग्री, ठीक है, किसके साथ हम देख रहे हैं नॉर्मल के साथ। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं इस पे बेस्ड, ठीक है। तो यहां पर आपको इस तरह से क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो एंगल आर आपको बता रहा है, अगर आपको ये पता है रूल, अगर आपको ये क्लियर है, लॉ ये वाला क्लियर है, तो आप बता दोगे डायरेक्टली कि एंगल आर भी आपका कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है। एक और यहां पर क्वेश्चन बन सकता है इस तरह से, क्योंकि आप यहां पर देखिए ये जो नॉर्मल रे है ये परपेंडिकुलर है प्लेन मिरर पे, तो नॉर्मल रे परपेंडिकुलर लाइन कैसी होती है, ये बनाता है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल होगा ना, अगर आप यहां से लेकर के इसको पूरा ऐसे देखेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो अब अगर ये 30 है तो ये कितना होगा 60, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं कि जो एंगल आपका है ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड प्लेन मिरर इज 60 डिग्री, तो अब ये वाला आपको बताना है। ये भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको इसके लिए रेडी रहना है कि अगर ये 60 है तो ये 60 है, ये 30 है तो ये 30। अब सपोज ये वाला, अब लाइट रे इस एंगल से ना आकर कि इस तरह से आए, ठीक है, यहां से ऐसे स्ट्राइक करें यहां पर, तो और ये आपका मान लीजिए कि हो जाता है 80 डिग्री, ठीक है, एंगल आए अगर आपका 80 डिग्री हो जाता है तो एंगल आर कितना होगा 80 डिग्री होगा, ठीक है। जब ये 80 डिग्री होगा तो ये आपका बच जाएगा कितना 10 डिग्री, तो एंगल इनके और इनके बीच में, ठीक है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड प्लेन मिरर आपका कितना हो जाएगा 10 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन इसमें बेस न्यूमेरिकल आराम से कर सकते हो साथ, बिल्कुल ही आसानी से, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको ये चीज क्लियर है नॉर्मल रे इसके साथ क्या बना रहा है 90 डिग्री, ठीक है। अब सपोज आपको सिर्फ ये ना दिया जाए, ये ना दिया जाए, ठीक है, कोई भी एंगल ना दिया जाए इनमें से, इन दोनों में से, ठीक है। अब यहां पे 60 दे दिया गया और आपसे ये पूछा जाए, ठीक है, एंगल आर पूछा जाए, तो आपको पता है कि ये 90 डिग्री है तो ये वाला 60 है तो ये 30 होगा, अब ये 30 है तो ये भी
30 हो जाएगा. ठीक है, तो बहुत ही इजी है, इस पे बेस क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी है. तो ये हमारे थे क्या, दो रूल्स. ठीक है, जिसको यहां पर तो लिखा नहीं जा सकता, बट लॉज जो सेकेंड लॉ है उसको इस तरह से एंगल के थ्रू समझाया जा सकता है. ठीक है, तो ये थे इसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, इसपे बेस्ड मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको प्रोवाइड कराऊंगी, तो इसके लिए बने रहिए मेरे साथ. और बहुत ही जल्द इसपे जो लाइट वाला चैप्टर है इसपे बेस्ड और भी वीडियोस, दूसरे कंसेप्ट्स को क्लियर करते हुए, मिरर को, लेंस को, ठीक है, और आपका प्लेन मिरर में लेटरल इन्वर्जन, इनसे रिलेटेड मैं वीडियोज आपके लिए बहुत ही जल्द दूंगी. तो आप इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. ओके, सो यहां तक आपको देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बहुत ही जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ. सो टिल देन बी हैप्पी एंड बाय 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 बाय.